देखिए इसमें पालक है, इसमें खीरा और मूली, उसमें भी कद्दू का पौधा लगाया है, नींबू का झाड़। ये सब में कुछ ना कुछ आई थिंक ये मेरे घर से मूली या कुछ हो गए मूली है। इस पे देख सकते हैं प्याज लगाया है, प्याज के भी पौधे हैं छोटे छोटे। ये देख सकते हैं बैंगन फलना स्टार्ट हो गया है, काफ़ी फ्लावर आए हैं। छोटा पहला प्लांट है, पहले प्लांट में अच्छे फ्लावर्स आए हैं, ये भी देख सकते हैं ये फ्लावर। यहाँ भी एक छोटा सा बैगन आ गया है, इस तरह आ गया तक उधर पूरा लगा के रखा है। गुलदौदी का है, सो प्लांट है, यहाँ भी कुछ कुछ पौधे लगाए हैं, इतने सारे लगाए याद नहीं क्या क्या लगाए, देखना पड़ेगा बढ़िया। यहाँ पे एक तुलसी का झाड़ है, यहाँ पे एक पालक लगा के रखा है, ये संतरे का झाड़, इसको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, इसको कीड़ा बार बार खा रहा है। स्टार्टिंग में अच्छा ग्रो कर रहा था, बट आई डोंट नो क्या हो गया इसको। ये है अंदर देख सकते हैं टमाटर फले काफ़ी, फिर अरबी के प्लांट, उसके पत्ते का सब्जी बहुत अच्छा लगता है। टमाटर इधर टमाटर फल गए हैं, इधर है कद्दू के और सीताफल के चार। इसमें है ड्रैगन फ्रूट के पौधे, देख सकते हैं काफ़ी पहुँच रहे हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं। इसको सेट करना पड़ेगा अच्छे अच्छे पोट में। इधर मैंने लाल साग के कुछ पौधे लगाए हैं, इधर भी इतने सारे लगाए कि भी देखना पड़ेगा क्या क्या। इधर कुछ कैक्टस के हैं, इधर एक पीछे हैं जो झाड़ू से छिप गया है, देख सकते हैं। एक ये है, ये भी एक कैक्टस की प्रजाति है, इसमें एक छोटा सा है, इसका मैंने इसके छोटे से पौधे को निकाल के लगाया। ये है कि राउंड सर्कल में कैक्टस, एक ये कैक्टस है, ये छोटे जो दिख रहे हैं आपको ये सारा ड्रैगन फ्रूट के। एक ये भी है, ये भी देख सकते हैं, अभी ये कुछ दिन पहले लगाया इसको मैंने, इसके पत्ते लाल होते हैं और फूल की ज़रूरत नहीं, सालों भर इसमें ऐसे होता है, पता नहीं क्या बोलते इसको। एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये, इसको अभी भी उसमें से तोड़ के लगाया, इस पर बड़ा होगा तो इसको भी शिफ्ट करूँगा। तो ये है मेरा छोटा सा गार्डनिंग, आगे वो येलो बोर्डिंग मिट्टी रखा है, इधर भी कुछ हैंगिंग, हमारे साइड में बोलते हैं 10 बजिया वो फ्लावर लगाया।